हेलो डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर टू राइट फस्ट फोर टर्म्स ऑफ द ए पी वेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है ए इज इक्वल टू टेन डी इज इक्वल टू टेन फर्स्ट टर्म टेन गिवन है और कॉमन डिफरेंस भी टेन है सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी सेकेंड टर्म हमारे पास होगी टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस डी तो सेकेंड टर्म हमारे पास हो जाएगी फर्स्ट टर्म है टेन और डिफरेंस है टेन तो टेन प्लस टेन ट्वेंटी सेकेंड टर्म हो जाएगी ट्वेंटी इसी प्रकार थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस डी सेकेंड टर्म है ट्वेंटी कॉमन डिफरेंस है टेन इक्वल टू थर्टी सिमिलरली फोर्थ टर्म थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस डी थर्टी प्लस टेन इज इक्वल टू फोर्टी तो हमारे पास ए पी हो जाएगी या जा हम कह सकते हैं कि टर्म हमारे पास हो जाएगी टेन सेकेंड ट्वेंटी थर्ड थर्टी और फोर्थ ट्रम फोर ये हमारी फस्ट फोर टर्म्स होंगी ए पी के अंदर हमको भी ट्रम फाइंड आउट करते हैं तो प्रीवियस वाली ए जो ट्रम होती है उसके अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं हमारे पास ट्रम आ जाती है अगर हमें निकालनी है फोर्थ टर्म तो थर्ड टर्म के अंदर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे फिफ्थ टर्म के लिए हम फोर्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर, कर देते हैं सेकेंड पार्ट में ए इज ईक्वल टू माइनस टू डी इज इक्वल टू टेन यहाँ पर हमारी सेकेंड टर्म हो जाएगी फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस प्लस डी फर्स्ट टर्म हमारे पास है माइनस टू प्लस टेन इक्वल टू एट सिमिलरली थर्ड टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म हमारे पास है एट प्लस टेन एटीन फोर्थ टर्म इज़ इक्वल टू थर्ड टर्म प्लस डी थर्ड टर्म एटीन प्लस डी टेन ट्वेंटी एट तो हमारे पास टर्म्स हो जाएंगी ए माइनस टू एट एट्टीन ट्वेंटी एट थर्ड पार्ट है ए इज इक्वल टू फोर डी इज इक्वल टू माइनस थ्री फर्स्ट टर्म हमारे पास है फोर कॉमन डिफरेंस है माइनस थ्री सेकेंड टर्म हमारी हो जाएगी फर्स्ट टर्म प्लस डी फर्स्ट टर्म है फोर प्लस डी माइनस थ्री इक्वल टू वन थर्ड टर्म होगी सेकेंड टर्म वन प्लस डी माइनस थ्री ज इक्वल टू माइनस टू सिमिलरली फोर्थ टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म प्लस डी थर्ड टर्म हमारे पास है माइनस टू और डी है माइनस थ्री इक्वल टू माइनस फाइव तो हमारे पास फर्स्ट टर्म हुई फोर सेकेंड टर्म वन थर्ड टर्म माइनस टू फोर्थ टर्म माइनस फाइव फोर्थ पार्ट में ए इज वल टू माइनस वन फर्स्ट टर्म माइनस वन है कॉमन डिफरेंस वन बाय टू सेकेंड टर्म हो जाएगी फर्स्ट टर्म माइनस वन प्लस कॉमन डिफरेंस वन बाय टू माइनस वन प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू थर्ड टर्म निकालेंगे हम सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय टू जीरो सिमिलरली फोर्थ टर्म थर्ड टर्म प्लस डी थर्ड टर्म हमारे पास जीरो डी है वन बाय टू इक्वल टू वन बाय टू हमारे पास टर्म्स हो जाएंगी फर्स्ट टर्म थी माइनस वन सेकेंड टर्म माइनस वन बाय टू थर्ड ज़ीरो फोर्थ टर्म वन बाय टू फिफ्थ पार्ट में ए इज इक्वल टू माइनस वन पॉइंट टू फाइव डी इज इक्वल टू माइनस ज़ीरो पॉइंट टू फाइव सेकेंड टर्म फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट फेस्टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस फर्स्ट फेस्टर्म हमारे पास है माइनस वन पॉइंट टू फाइव प्लस डी डी है माइनस ज़ीरो पॉइंट टू फाइव ये हमारे पास आएगा वन पॉइंट टू फाइव माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव ये हो जाएगा माइनस वन पॉइंट फाइव ज़ीरो सिमिलरली थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस माइनस वन पॉइंट फाइव ज़ीरो प्लस माइनस ज़ीरो पॉइंट टू फाइव दैट इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन फाइव माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव इसी प्रकार हम फोर्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे थर्ड टर्म mm. हमारे पास है माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव प्लस कॉमन डिफरेंस माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव दैट इज़ इक्वल टू माइनस टू हमारे पास टर्म्स हो जाएंगे। फर्स्ट है माइनस वन पॉइंट टू फाइव सेकेंड टर्म है माइनस वन पॉइंट फाइव ज़ीरो थर्ड टर्म माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव फोर्थ माइनस टू